दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं वन क्रेडिट कार्ड के कुछ बेनिफिट्स और इसको अप्लाई करने का तरीका है। देखिए दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ढेर सारी वीडियोस लेके आते रहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वन कार्ड की हम बात कर लें तो देखिए दोस्तों, वन कार्ड आपका स्पेशल कोई ऐसा बैंक नहीं है, बल्कि कई तरह के बैंक से ये लिंक आपका है, जिसमें आपको फेडरल बैंक है, IDFC बैंक, साउथ इंडियन बैंक, SBM बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इसके पार्टनर्स हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप वन कार्ड में जाके कोई भी अगर कार्ड अप्लाई करने का प्रयास करते हैं तो इनमें से किसी भी एक बैंक से आपको आसानी से कार्ड यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी काफ़ी आसान यहाँ पे है, सभी को यहाँ पे कार्ड मिल सकता है। मैं आपको बताऊँ तो आपका एज यहाँ पे मिनिमम आपको 18 प्लस होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड हैं, हाउस वाइफ हैं, यानी कि किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे वन कार्ड आपको क्रेडिट कार्ड दे सकता है। सबसे बड़ा जो यहाँ बेनिफिट है वो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका बिल्कुल सिबिल आज तक जेनरेट नहीं हुआ है, बिल्कुल जीरो सिबिल है, 2000 रुपीज़ का FD करके आपको यहाँ पे कार्ड मिल सकता है। अगर 2000 का FD अगर आप करते हैं तो वहाँ पे 2200 रुपये का यहाँ पे आपको लिमिट मिल जाता है। देखा जाए दोस्तों तो बहुत सारे मैक्सिमम बैंक्स में क्या होता है कि आपको मिनिमम 10,000 रुपीज़ का FD करके तब आपको कार्ड मिलता है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम 2000 से ही आप चाहें तो कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में यह आ सकता है कि 2200 रुपये की लिमिट से आखिर में हम क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी कार्ड नहीं है तो उस कंडीशन में इस कार्ड को अगर आप अप्लाई कर देते हैं और रेगुलर आप उस लिमिट के अंडर में अगर आप रेगुलर पेमेंट करते रहते हैं तो मुश्किल से 2 से 3 महीने का टाइम लगता है कि आपके सिबिल को रिपोर्ट चला जाता है और आपका सिबिल आसानी से जेनरेट हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप बताऊं आपको तो आपका सिबिल जेनरेट करने के लिए सबसे सस्ता उपाय है कि आप केवल 2000 का FD करिए, 2200 रुपये का लिमिट लीजिए और क्या करिए, उसको रेगुलर ट्रांजेक्शन करते रहिए, टाइम टू टाइम जो उसका बिल है वो आप पे करते रहिए। तो उससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में जब आपके सिबिल पे अच्छा आपका ट्रांजेक्शन दिखाए तो आपको वहां पे दूसरे बैंक्स के भी कार्ड आसानी से मिल सकेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बेनिफिट की हम बात कर लें यहाँ पे तो ये कार्ड आपका बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है, यहाँ पे कोई भी चार्ज आपको नहीं पे करना है, यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग चार्ज या कोई भी एनुअल चार्ज आपको इस कार्ड के लिए आपको पे नहीं करना है। अगर रिवार्ड पॉइंट्स की बात कर लें तो यहाँ पे आपके पर 50 रुपीज़ पे आपको 1 रिवार्ड पॉइंट यहाँ पे मिलता है, और इसके कुछ ऐसे टॉप कैटेगरीज भी आपको हर महीने ऐप पे दिखाता रहता है। अगर आप उन पे जाके अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 5x यानी 5 गुना आपको रिवार्ड पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं। देखिए दोस्तों, रिवार्ड पॉइंट्स के मामले में क्या है कि रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ पे कम रहता है, यानी कि लगभग आप 1000 रिवार्ड पॉइंट्स अगर आप रिडीम करते हैं तो वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ मिलते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे जो रिवार्ड पॉइंट्स जो भी आपको मिलते हैं वो लाइफ टाइम के लिए रहते हैं और रिवार्ड को रिडीम करने का कोई भी चार्ज आपसे बैंक यहाँ पे नहीं लेता है। साथ ही यहाँ पे अन्य बैंक्स की जैसे यहाँ पे 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी है, यानी कि पेट्रोल पंप वगैरह पे अगर आप इससे स्वाइप करते हैं तो वहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी आपको कैशबैक के रूप में मिल जाता है। अब कुछ अगर चार्जेस की यहाँ पे हम बात कर लें तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे इस कार्ड को चेंज करना चाहते हैं किसी भी कंडीशन में, तो अगर आप प्लास्टिक कार्ड्स रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 149 चार्ज लगने वाला है, लेकिन अगर आप मेटल कार्ड लेना चाहते हैं तो वो आपको 3000 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज आपको पे करना होगा, तो ये कुछ ज़्यादा चार्ज आपका है। साथ ही साथ अगर आप 6 महीने के यानी कि इस कार्ड को अप्लाई करने के बाद अगर 6 महीने के अंदर इस कार्ड को यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे जो कार्ड कैंसिलेशन चार्ज है वो आपको 3000 रुपीज़ पे करना होगा। ऐसे में आप क्या करिए कि कोई आपको दिक्कत भी अगर मान लो इस कार्ड में आता है तो आप क्या करिए कि 6 महीने बाद ही इस कार्ड को कैंसिल करें, अगर ऐसा कुछ भी होता है 6 महीने तक वेट कर लीजिए, आप ट्रांजेक्शन अपना करते रहिए, टाइम टू टाइम बिल वगैरह पेमेंट करते रहिए ताकि आपका सिबिल है वो अच्छा बनता रहे, और अगर आप चाहते हैं तो 6 महीने बाद भी इसको आप आसानी से क्लोज करा देंगे तो कोई भी चार्जेज आपको यहाँ पे नहीं करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए, वहां पे आसानी से आपको कार्ड चुटकियों में फटाफट यहां पे अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो
केवल 2000 पे करके फटाफट इस कार्ड को अप्लाई कर लीजिए, आप सभी को कार्ड ये मिल सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।